नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, हमने भी देखा, आपने भी देखा। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी भी देख रहे होंगे, बसपा के नेता भी देख रहे होंगे। बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है, सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज बता रहा हूं। क्या बहन मायावती जी को अगर कांग्रेस कहेगी हम आपको प्रधानमंत्री चेहरा बनाते हैं तो बहन जी को विश्वास होगा? क्या एक बार में वो हां भर देंगे? क्या ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, पूरी तैयारी थी, पांच दलों की सहमति प्राप्त कर ली गई थी, कांग्रेस ने करीब करीब ऐलान कर चुकी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाएंगे इंडिया गठबंधन का। और औपचारिक तौर पर जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरपर्सन। लेकिन एन समय पर जो विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें नीतीश कुमार जी को यानी जदयू को यह कहना पड़ गया, हमने कोई आवेदन आपको नहीं दिया था कि मुझे आप संयोजक बनाइए, इसका क्या कारण था? कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर ली बगैर तैयारी की? और कांग्रेस ने जब मन बना ही लिया था कि नीतीश कुमार एक क्लीन जो चेहरा है, इनको संयोजक पद पर रखना अच्छा रहेगा, तो पांच दलों की सहमति थी, कांग्रेस खुद भी चाहती थी संयोजक का ऐलान कर सकती थी, लेकिन नहीं। बीच में ममता दीदी को घुसाना क्या जरूरी था? और ममता दीदी को अगर घुसा लिया तो इतना गट होनी चाहिए कि ममता दीदी से मना भी लेती कांग्रेस, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और जब नीतीश कुमार को यह लगा कि ये तो तार पे चढ़ा के गिरा रहे हैं, ये तो बेइज्जती हो रही है, तब जो है उन्होंने कह दिया कि हमने कोई आवेदन आपको नहीं दिया था, मुझे संयोजक पद के लिए कोई लालसा नहीं है। अब क्या यही घटना बहुजन समाज पार्टी के साथ दोहराई जाएगी और बहन मायावती जी को यह कहना पड़ जाएगा कि प्रधानमंत्री चेहरा के लिए हम लालायित नहीं हैं, हमने कोई आवेदन नहीं दिया है इंडिया गठबंधन को कि हमें प्रधानमंत्री चेहरा बनाओ? ये सब बातें भविष्य की है, हो सकती है, क्योंकि कल बहन मायावती जी का जन्मदिन है। हम सभी जो हमारे दर्शक हैं और हमारा चैनल, उन्हें एडवांस में ही हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन का। और जन्मदिन के मौके पर इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता भी वहां इकट्ठे होंगे, बातचीत होगी, आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन जो कल यानी बीते हुए कल में जो मीटिंग हुई, इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग, उसमें जो बातें निकल कर आई, अरविंद केजरीवाल अब ममता दीदी से बात करेंगे, ममता दीदी मानेंगी तब जाके संयोजक के लिए दोबारा ऑफर किया जाएगा, फिर उसके बाद नीतीश कुमार रुठ जाएंगे, ये बहुत सारा खिचड़ी पक गया है। कहने का मतलब यह कि जो एनडीए गठबंधन है, जो सत्ता पक्ष है, जो सत्ता में बैठे हुए नेता है, उनको हंसने का मौका मिलता है, इंडिया गठबंधन अपने आप को जगहसाई करवा रही है इस तरह के प्रोग्राम करके। मान भी लेते हैं कांग्रेस के नेता कल जाएंगे जन्मदिन पर बहन मायावती जी को, उनको जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताएंगे, सीट पर मना लेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री चेहरा का ऑफर करेंगे, वहां भी मना लेंगे, फिर उस इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी की एंट्री होगी, मीटिंग में भाग लेगी। इस बात की क्या गारंटी है कि ममता दीदी अगर कह देती हैं कि मैं इनको प्रधानमंत्री चेहरा नहीं मानती तो सारी बात खटाई में पड़ जाएगी? क्या बहन मायावती जी इस तरह की बेइज्जती करवाने के लिए वहां जाएंगे? ये शक और संदेह है। और बहुजन समाज पार्टी को एक अपना सीमा, एक दायरा रखना चाहिए कि ठीक है भैया, इंडिया गठबंधन में हम आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चेहरा की ऑफर रखते हो तो सबसे पहले सभी दलों का लिखित में हमें जो है ऑफर दे दो, सब लोग सहमति दे दे,
तब जाकर हम वहां पर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री चेहरा बनने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा देश का बहुजन समाज जो अपने आइकॉन नेता को देवी की तरह पूजते हैं, उनकी हर बात पर सहमति जताते हैं, उनके 13% वोट जो है, जो कैडर है, उनके लिए जान देते हैं और उनको बुलाकर ऑफर करके, और फिर कांग्रेस अगर ये ऐसी चाल चल जाती है, उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ जाता है, थोड़ा सा गलानी महसूस होती है कि 6 दल की सहमति है, 7 दल की सहमति है। जब 7 दल की सहमति है तो 7 दल ही वहां मौजूद हो जिनकी सहमति हो, ऐसा नहीं कि एन समय पे 8वें से पूछकर और उसके बाद मामला पोस्टपोन कर दो, पूरे देश में बहन मायावती जी की जगहसाई हो सकती है, ये तो शंका शुरू हो गई है। पत्रकार भी सवाल करेंगे, हर कोई सवाल करेगा कि आपको मान सम्मान दे के बुलाते हैं और फिर इस तरह से इंसल्ट करके वापस करते हैं, और यही गलानी फील हुई नीतीश कुमार को। पहले आपने हल्ला गुल्ला मचाया, पहले आपने ये कहा कि 5 दलों की सहमति है, तो 6ठा दल आप हैं खुद कांग्रेस, तो 6 दल की मीटिंग बुलाते हैं और 6 दल ही ऐलान कर लेते कि ये फला व्यक्ति संयोजक है, फिर ममता दीदी को पूछने की क्या जरूरत है? कांग्रेस क्या राजनीति कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल हम अपने दर्शकों से ये सवाल का जवाब चाहते हैं। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स में हमें बताएं, कांग्रेस अपने गठबंधन पार्टनर से भी राजनीति कर रही है कि हम तो आपको बनाना चाहते हैं लेकिन फला दल जो है वो आपको पसंद नहीं करता, ये कौन सी राजनीति है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार पूरे इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एक जगह लाए, ये तो श्रेय उनको जाएगा ही जाएगा, 15-20 साल से वो शासन सत्ता में है ये भी श्रेय जाएगा, बिहार की छवि बदली है ये भी श्रेय उनको जाएगा। संयोजक का नाम आपने ऐलान किया, आपने कहा कि 5 दलों की सहमति है, हम सबको मना लेंगे और इंडिया गठबंधन का हम संयोजक बनाएंगे, फिर ममता दीदी से पूछ के और फिर मामला पोस्टपोन करने की क्या जरूरत थी? आज NDA, गोदी मीडिया सबके सब प्रमुखता से इस खबर को दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ममता दीदी ने मना कर दिया, इनकी आपसी तालमेल सही नहीं है, यही वो चाहते हैं, ऐसी खबरें ही वो चाहते हैं और कांग्रेस ऐसी खबरें दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि चेयरपर्सन इन्होंने औपचारिक रूप से ऐलान किया, नीतीश कुमार का तो मामला खटाई में पड़ गया, अब कल जो है बहन मायावती जी का जन्मदिन भी है, वहां जाएंगे, इंडिया गठबंधन के रास्ते तो खुले हैं बहन मायावती जी के लिए, वो आ भी सकते हैं। सीट शेयरिंग पे अगर ऊंचा नीचा होता है, 2 सीट ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले ही सारा सारा दल जो है गाना गा दे बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री चेहरा बन रही है, कांग्रेस भी कह दे ऑफिशियली, सब जगह चलने लग जाए, और तब जाकर अगर कांग्रेस ये कह देती है कि ममता दीदी को आप पसंद नहीं है या केजरीवाल आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ये तो घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। क्या बहन मायावती जी अथवा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो डिवोटेड कार्यकर्ता है, वो सहन कर पाएंगे? क्योंकि हालत तो ऐसी कुछ दिख रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हालत जो हुआ, ये जो घटनाक्रम हुई, इसमें बसपा फूंक फूंक के कदम रखेगी, किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेगी, चाहे आप बी टीम सी टीम जो टीम कहना है कहें, क्योंकि राजनीति में आए दिन धोखे और ठोकरे दोनों मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह, सत्ता एक ऐसी चीज है जहां पर शुरुआत में जो आपको कहते हैं ये उगता हुआ सूरज है, बाद में बुझाने भी वही लग जाते हैं। कांग्रेस को इसलिए जाता है कि सभी गठबंधन, सभी राजनीतिक दलों को वो एक जगह कर रहे हैं, भाजपा से टकराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बीच बीच में जो कैंची मारने वाली जो कहानी है, ये कांग्रेस को छोड़ना होगा। ये दुलत्ती मारनी जो है कि ममता दीदी ने कहा और इसलिए हम संयोजक नहीं बनाए, अगर कांग्रेस मूड में थी तो कह देती कि ममता दीदी को बाद में मना लेंगे, हमने तो बना दिया, संयोजक पद पे नीतीश कुमार जी आसीन है। ठीक उसी तरह
आगामी जो होगा प्रधानमंत्री चेहरा का या बहन मायावती जी का जो मामला आएगा उसमें भी कांग्रेस ठोस तरीके से कदम उठाएगी, सभी दलों से सहमति लेकर उनके पास जाएगी या अकेले कांग्रेस का विचार है, यह सब कुछ मायने रखता है। कहने का तात्पर्य समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, इस घटनाक्रम से सब के सब संदेह में आ गए हैं। और अगर किसी को बड़ी कुर्सी आप ऑफर करेंगे तो भरोसा नहीं कर पाएंगे, वो यही कहेंगे कि पहले आप अपने गठबंधन पार्टनर के सभी पार्टनरों से पूछ लो आपकी बात की क्या वैल्यू, आपकी क्या जुबान है, आपने तो ऐलान भी कर दिया हमने ये करना है वो करना है, आपने प्रस्ताव भी रखा और दूसरे से खारिज भी करवा दिया। तो इस तरह की राजनीति आपस में नहीं चलती। आपको बता दें कि 28 दल बिल्कुल जो है प्री पोल अलायंस में नीतीश कुमार के साथ जो इंडिया गठबंधन में है, और 5 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो पोस्ट पोल अलायंस में है। वो ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको वर्तमान जो प्री पोल अलायंस में है उनसे उनकी कांटे की टक्कर है, जैसे कि हरियाणा का दुष्यंत चौटाला वो पोस्ट पोल अलायंस में है, कर्नाटक का जेडीएस वो पोस्ट पोल अलायंस में है, तेलंगाना का केसीआर पोस्ट पोल अलायंस में है, क्योंकि कांग्रेस वहां सत्ता में है और वो प्री पोल अलायंस में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो पोस्ट पोल अलायंस में जो है केसीआर है और जगनमोहन रेड्डी वह भी जो है पोस्ट पोल अलायंस में है, बीजू जनता दल बीजेडी के नवीन पटनायक जो उड़ीसा में वह भी पोस्ट पोल अलायंस में है। तो कहने का मतलब 32 दल हो जाता है और सब अपनी अपनी तैयारी किया हुआ है, सब मुहाने पर है, बस कांग्रेस को इन हल्की फुल्की हरकतों से बाज आना चाहिए, अपने जितने भी घटक दल हैं और जिसको जो जुबान कह दिया, जो बातें कह दी, मीडिया भी उसको प्रचारित करती है क्योंकि मीडिया को मसाला चाहिए और आप मसाला देते हैं, आप कहीं न कहीं से अपने सूत्रों के हवाले से खबर लीक करते हैं, मीडिया में चलने लग जाती है और बाद में शर्मसार होना पड़ता है उन नेताओं को जिनके बारे में यह कह दिया जाता है कि आप संयोजक हैं। बहन मायावती जी के बारे में कह दिया जाए को प्रधानमंत्री चेहरा है, उनको बुलाकर बिठाया जाए और फिर किसी से कहवा दिया जाए हमें पसंद नहीं है, यह ठीक नहीं है। राजनीति में सब कुछ साफ सुथरी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो घटनाक्रम बीते दिनों हुई उस घटनाक्रम से सभी के सभी राजनीतिक दल चौकन्ने हो गए हैं, 5 बार कंफर्मेशन लेंगे, गारंटी लेंगे कांग्रेस से और यह भी कहेंगे केवल आप प्रधानमंत्री चेहरा बना रहे हो या पूरा इंडिया गठबंधन का सभी दल, ऐसा तो नहीं है कि आपने गिनती कराई है 10 दल का या 15 दल का और जब बैठक होगी तो वहां पे 20 दल होंगे और 5 दल वॉकआउट कर जाएंगे, कह देंगे हम प्रधानमंत्री चेहरा नहीं मानते, तो उस वक्त हमें काफी ऑकवर्ड फील होगा, काफी हम गलानी महसूस करेंगे। इससे अच्छा है कि सभी सहमति से वहीं पे ऐलान कर देना, सब ऐलान करके और सिग्नेचर कर दे, क्योंकि अब तो बातों पर तो भरोसा रहा नहीं। और यह परिस्थितियां खास करके बहुजन समाज पार्टी के साथ आने वाली है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही हैं, सीटों की शेयरिंग तक तो ये रह जाता है कि भाई सपा का भी अपना हक है, बसपा का भी अपना हक है, इन्होंने 2 सीट ज्यादा मांग दिया, उसने कम मांग दिया, यहां तक ठीक है, लेकिन आप प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर मीटिंग में बुलाएं और वहां जाके कह दें 4 दल तो वॉकआउट कर रहे हैं, तब क्या होगा? उस गलानी से गठबंधन कमजोर होगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होगा, जैसे कि सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि 31 जनवरी से पहले पहले सारा सीट पूरे देश का जो इंडिया गठबंधन का है सीट शेयरिंग फाइनल हो जाना चाहिए और ये जरूरी भी है। तो कहने का मतलब यह कि कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम उठाए और अपने गठबंधन पार्टनर को भरोसे में ले। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।